brother. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल टेक्नो विशाल और मेरे नए वीडियो पर। तो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सीओसी इंडिया में बनता यानी मेड इन इंडिया होता तो इसमें क्या क्या फीचर्स होता। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो चीज़ निकल कर आता है वो यूट्यूबर्स से रिलेटेड। तो यूट्यूबर्स में हमारे सीओसी गुरु सबसे ऊपर होते हैं और बाकी यूट्यूबर्स जैसे लेजेंड विक्की और ये लोग भी ऊपर होते और बाहर के फॉरेन के जो यूट्यूबर्स है जैसे गैलाडोन, पावर बैंक गेमिंग, इनका मतलब इतना कुछ नाम नहीं होता। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गेम में क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं अगर इंडिया में ये मेड इन होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला जो चेंज आता वो होता हमारे लोडिंग स्क्रीन में। गाइस, अगर सीओसी इंडिया में होता तो ये वाला लोडिंग स्क्रीन होता। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लोडिंग स्क्रीन लग रहा है। गाइस, मुझे तो यार लोडिंग स्क्रीन अच्छा लगा। तो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, हमारे ट्रूप्स के भी स्ट्रक्चर थोड़े चेंज होते हैं, जैसे वॉल ब्रेकर्स की जगह और कुछ होता। और एक चीज़ में तो मैं श्योर था कि बिल्डर्स की जगह इंजीनियर्स का नाम रखा जाता है यहाँ पर। तो इसमें जो दूसरा चीज़ निकल के आता है वो है हीरोज़ का भी एनिमेशन डिफरेंट होता, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ही हो सकता था। तो और एक बात है कि जो टाउनल है तो टाउनल कुछ इस तरह दिखता है, जो हैदराबाद में एक मोनूमेंट है जिसका नाम है ताज चार मीनार। तो ये थोड़ा सुंदर है अगर ये होता। तो गाइस, आज के मेरे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइस, मेरा ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले आइकन को भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय।